السلام عليكم ماليغان والو. سہیل آزاد بھائی اور ان کی پوری ٹیم کے محبت اور میری حاضری. دوستو پہلی بار مالیگاؤں کے شہر میں آیا ہوں. گپت سوتروں سے یہ پتا چلا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ شاعر اگر کسی شہر میں ہیں تو وہ ہے آپ کا شہر مالیگاؤں. بات سچ ہو تو ایک بار زوردار تالیاں بجا کر مجھے بتائیں, ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے مجھے یوٹیوب پر سنا ہے. دوستو میں آپ سب کو کچھ سناؤں, اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کو ڈھیر ساری انقلابی شاعری سنا کر آپ سب کی تالیاں بٹور لوں, اور صبح جا کر آپ کسی چائے والے کی دکان پہ یہ چرچا کریں کہ سفیان پرتاپ کرنی نے کیا غضب کا شعر سنائے. آپ سب اس کو مشاعرے کی کامیابی مت سمجھ لینا. اگر میری کہی گئی ایک بھی بات پر عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ مشاعرہ کامیاب رہا. آپ لوگ مالیگاؤں کے وہی زندہ جواد سامعین ہیں جس کی تعریف میں ہندوستان بھر میں سنتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تالیاں آپ سب اپنے لیے بجا دیں. دوستو بم وسفوٹ ہوتا ہے تو فوراً کسی داڑھی ٹوپی والے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے. میں چار مثالیں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یہ سب یہ پھول مگر خار بن بھی سکتے ہیں. جو بے وجہ انہیں ہر وقت تم ستاؤ گے, جو بے وجہ انہیں ہر وقت تم ستاؤ گے. اس گروپ کی جانب سے یہ نظرانہ صدر تک کے پہنچایا جاتا ہے. قرآن مسلسل کے کچھ نہ پاگے. بہت بہت شکریہ فرزاد کی. ہمارے سلیل انصاری صاحب جو علم کا سمندر ہے ان کی جانب سے بھی نظرانہ محبت. دوستو آئے دن مغلوں کی حاصل کی عمارت کو نشانے پہ لیے جاتا ہے. یوگی جی کا کہنا ہے کہ تاج محل کا نام بدل کر تیجو محل کر دیا جائے. آئے دن نفرت بھرے بیان آتے رہتے ہیں. میں چار مثالیں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سلیم معیزہ پوری کی بھی جانب سے یہ نذرانہ سفیان پرتاپ کو.
की दुआएं मुझे मिलना चाहिए। मुगलों की इमारत से जो नफरत ये तुम्हें तो इन सारी इमारत को गिरा दीजिए हुजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी इमारत को गिरा दीजिए हुजूर। आइए दोस्तों, चार विषय और हासिल करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाए, मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दे। तुमने तो सिर्फ बोए हैं नफरत के बीज बस। उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम। उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम। दोस्तों भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं। क्या बात है, वाह वाह। दुनिया को सिर्फ गाय गोबर दिखाते तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पिछले दिनों सोनू निगम ने अजान पे पाबंदी की बात की थी। सोनू निगम को अपने सहम रखते हुए मैं चार विषय हासिल करता हूँ बतौर खास। फरमाए, दिलों में जहर नफरत खोलने से कुछ नहीं होगा। दिलों में जहर नफरत खोलने से कुछ नहीं होगा। तेरी गंदी जुबां के खोलने से कुछ नहीं होगा। तेरी गंदी जुबां के खोलने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू निगम के बोलने से कुछ नहीं होगा। आइए दोस्तों, मैं आप सबको परमा के हवाले से एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। पिछले दिनों आप सबने देखा था कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया गया। उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। क्योंकि अब मीडिया ने खाना बंद कर दिया, इसलिए हम उनको भूल गए। लेकिन मेरे भाई, आज भी बांग्लादेश के मुस्लिम, आज भी बर्मा के मुस्लिम बांग्लादेश की गलियों में भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मैं नज्म हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाए, आता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को धोखे में डाला गया है। मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास फिफ्थ का स्टूडेंट हूँ। आज मैं इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बताएगा? क्या यही है अच्छे दिन कि गांधी जी के अत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या यही है अच्छे दिन
कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें, क्या यही अच्छा दिन? योगी तो गड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान में कोई लगाम ना लगे, क्या यही अच्छे दिन कि खलास और पहलू खान जैसे बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए? क्या यही अच्छे दिन कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बम विस्फोट हो तो फौरन 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे साहब जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए, क्योंकि हम आपके अच्छे दिनों से ऊब चुके हैं। मैं पढ़ता जान से पढ़ता हूँ, बतौर खास राजा फरमाए, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की रोज चल रही है भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये पुराने दिन वो लौटा दो। माले गांव वालों, जाते जाते बस आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूँ, याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, याद रखना बेटा सीटियां ना बजाएं आप सीटियां ना बजाएं, बड़ा अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मुतमईन, सीटियां ना बजाएं। मोहतरम सदर साहब और मौजूद सामेईन इकराम, डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरे इकराम, आपके दयार माले गांव में मेरी कई मरतबा हाजिरी हो चुकी है और हमेशा आपकी बेपनाह मोहब्बतें और दुआएं अपने साथ लेकर गई। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपकी बेपनाह मोहब्बतें और दुआएं अपने साथ लेकर जाऊंगी। मतलब बतौर खास हाजिर करती हूँ, बस एक शिकायत यह है कि आप लोग की तरफ से बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल बेदार है लेकिन डैस बिल्कुल खामोश है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपकी जिम्मेदारी है उतनी ही आप थोड़ा बहुत बोलते रहें ताकि मुशायरा और ज्यादा कामयाबी की मंजिल तक पहुँच सके। मतलब हाजिर करती हूँ, सभी की दुआएं चाहती हूँ, मुलाकात करना जी नायक इरशाद। मतलब मैं माले गांव वालों की नजर करती हूँ, देखती हूँ कि शेर की कैसे हिफाजत करते हैं, हाजिर करती हूँ सुनेगा। कभी मुझको अपना बना कर तो देना,
हासिल करते हैं, बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी भैया, बेटा 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 बैठ जा, एक मिनट बस हो जाता है, बजा कर मुझे इजाजत दें कि पीछे वाले तो बहुत देर से लगता है मुशायरा से कुछ देखने के लिए आए हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा दिल लोग हैं तो पूरे मजमे की दुआएं चाहती हूँ, एक मिनट बस हो जाता है, बजा कर इजाजत दें कि बहुत शुक्रिया, हाजिर करते हो मतलब सुनिएगा। कभी मुझको अपना बना कर तो देखो, कभी मुझको अपना बना कर तो देखो, कभी मुझको लग रहा है अब हमको, लग रहा है अब हमको दिल संभल नहीं सकता, लग रहा है अब हमको दिल संभल नहीं सकता, लग रहा है अब हमको, लग रहा है अब हमको, दिल संभल नहीं सकता, दिल संभल नहीं सकता, आपके बिना मेरा दम निकल नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, निकल नहीं सकता आपके बिना मेरा। यहाँ पर कितनी सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग बैठे, हाथ उठा दीजिए, देखते हैं कितने लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये शेर आप लोगों की नजर करती हूँ, देखती हूँ शेर की कैसी हिफाजत करते हैं, ज्यादा कर आंखों के बिना मेरा दम निकल नहीं सकता, आंखों के बिना मेरा, शेर हाथ का टूट लेगा, पाक गर्म मोहब्बत है तो मेरा ये वादा है, पाक गर्म मोहब्बत है, हाथ जल नहीं सकता, आग से कभी उसका, और शेर बतौर खास आदत तेरे दामों से मेरी
और यहाँ से बहुत माशाल्लाह शोपिया नजर आ रही है। मैं शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ, अगर शेर सच्चा और अच्छा लगे तो आपकी सारी चाहत पूरा जफर जी। आपके बिना मेरा हाज तक शेर सुनेगा जी, जो भी जाके देखाया बदे जो भी जाग देगा गुम्बदे खजरा, गुम्बदे खजरा उसका तो किसी शहर से बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब।